एक नया रेसिपी के साथ आपके सामने आई हूँ। बट रेसिपी बनाने से पहले आप सबसे मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे नए रेसिपी के साथ मैं जब भी आपके सामने आऊंगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी, तो जल्दी से सीख लेते हैं मटन करी कैसे बनाते हैं। तो लेट्स गो टू द किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मटन करी। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन ले ली हूँ, जिसको मैं धो दी हूँ अच्छे से। ठीक है, अब हम इसका बना लेते हैं सब। तो मैंने यहाँ पे अपना कुकर गरम कर लिया है, अब मैं उसमें डालू ऑयल। बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मेरा तेल हो गया है गरम, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1/4 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा जावित्री। थोड़ा सा पक जाए फिर उसमें हम लोग डाल रहे हैं कांदा। मैंने यहाँ पे 2 बड़ा कांदा ले ली थी। कांदे को अच्छे से हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे इसमें। तो हमारा कांदा हो गया है गोल्डन ब्राउन, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छे से भून लेते हैं। मैं डाल दी हूँ 4 बड़े टमाटर जो मैंने ऐसे पतला पतला काट दी हूँ। छोटा चम्मच हल्दी ली हूँ, 2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, क्योंकि मटन थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ली हूँ जीरा पाउडर, मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मटर मसाला ले ली। अब इसको हम लोग कर लेते हैं अपने से मिक्स टमाटर के साथ, और टमाटर को थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक तेल ना छोड़े। अब मेरा टमाटर अच्छे से पक गया है और तेल भी छोड़ना चालू कर गया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, उसके हिसाब से नमक डाल लीजिएगा।
नमक को अच्छे से मैंने टमाटर के साथ मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी अपना मटन, मैंने यहाँ पे अच्छे से धो के रखी थी, मटन इसमें मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स कर ली हूँ, तो मैंने यहाँ पे टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर ली। अब मैं इसको 1-2-3 मिनट के लिए ढक के रखूंगी। मैं तुरंत पानी कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि तुरंत पानी डालने से कैसा होता है कि मटन हो, चिकन हो, उसमें मसाला नहीं लगता और वो सादा सादा लगता है, तो इसलिए पहले मैं इसको 1-2-3 मिनट के लिए ऐसे नॉर्मल ढक के छोड़ दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा मटन ढक के यहाँ पर 2-3 मिनट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये स्टेज पे हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे, तो जितना मटन पकने के लिए पानी चाहिए रहेगा आप उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं जितना मेरा मटन था उसके थोड़ा सा ऊपर तक पानी है, तब इस स्टेज पे हम लोग इसको गैस को कुकर को मैं ढक्कन लगा देती हूँ अच्छे से, ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छे से पक जाए। एक दो सीटी होने तक मैं कुकर को ढक के रख रही हूँ, उसके बाद में खोल के देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे 2 सीटी हो गया है। अब मैं एक बार खोल के देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी तक हम लोग का मटन जो है वो पका नहीं अच्छे से, तो मैं इसको और 1-2 सीटी के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग फिर से ढक्कन हटा के देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा 2 सीटी हो गया है। अब मैं इसको खोल के देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा मटन हो गया है तैयार। अगर आपको यहाँ पे इतना रस्सा नहीं चाहिए रहेगा तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, तो ये अच्छे से पक भी चुका है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया डाल दे रही हूँ। अब मैं कर लेती हूँ गैस ऑफ, मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मटन को प्लेट में सर्व कर लिया है। आप देख सकते हो कितने ही मस्त दिख रहा है। आज हमने बनाया मटन करी, बहुत टेस्टी बना था। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। उन्हें कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन पे जरूर बताइएगा। और अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा, जो आप सबसे पहले देख पाओगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।